वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर सौर, हमारे साथ दो बहुत ही टैलेंटेड यंगस्टर्स मौजूद हैं, आपसे उनका तारुफ करा दूं। सबसे पहले जनाब बिलाल मज़हर हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज़ अ मॉडल यंगस्टर हैं, अभी इन्होंने इंटरमीडिएट किया है, आगे जाके मेडिसिन करना चाहते हैं। इनका एक छोटा सा आपको स्पॉट दिखाते हैं कि इन्होंने अब तक क्या क्या काम किया। तस्वीर देख के मुझे एहसास हुआ कि शायद गाने का भी शौक है। पूछते हैं इनसे, वजाद फिरोज हैं जी हमारे साथ मौजूद, ही इज ऑल्सो अ यंगस्टर और मॉडलिंग में रहे हैं लेकिन अभी कुछ अरसे से मॉडलिंग नहीं कर रहे, अभी एक मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं एंड ही प्लान्स टू स्टिक ऑन देयर, बट सिंस ही वाज इनटू मॉडलिंग तो हमने सोचा कि इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। इनका भी एक छोटा सा स्पॉट देखते हैं, फिर आके इनसे मुलाकात करते हैं। जनाब ये थे बिलाल और वजाद, आपने इनके छोटे छोटे पैकेजेस भी देखे। वजाद आपका हमने पोर्टफोलियो देखा, बड़ा ज़बरदस्त और बड़े आप एक्शन में नजर आए, लेकिन आई बिलीव कि आपने मॉडलिंग छोड़ दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वालेकुम थैंक यू। और कि इस तरीके से है कि मॉडलिंग छोड़ी नहीं है, ऑन एंड ऑफ करता रहता हूँ। अच्छा, लेकिन स्टिल इसी फील्ड में हूँ। स्टार्ट मैंने मॉडलिंग से लिया, मॉडलिंग स्टार्ट की, उसके बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करता रहा। फिर उसी के बाद क्या हुआ कि ट्रैवल ट्रेड से था पहले, ट्रैवल ट्रेड से क्या हुआ कि अच्छे मॉडलिंग साथ साथ चलती रही। फिर उसके बाद मैंने एक दुबई चला गया, दुबई से वापस आया, फिर हावर साहब की एजेंसी है एक ऑक्यूलर, उसको ज्वाइन किया। मुझे ये बताओ कि आप सलमान खान को देख के आप मॉडलिंग में आ गए? वो तो एक्टिंग फिल्मों में एक्टिंग करता, फिल्मों में क्यों नहीं गए आप? कि मूवीज में कौन जाता है, पहले सेहत तो वो बना ले, उस काबिल तो हो जाए कि पंजाबी फिल्मों में सेहत चाहिए होती है। अच्छा, उसने कितने प्यार से कह रहे हैं इधर की फिल्मों में कौन यार। वैसे मैं इस तरह अगर आप बात करोगे ना, आपको तो मैं कहती हूँ इंडिया वाले क्या हॉलीवुड वाले ले लेंगे, इतने प्यार से ये बात करता है बच्चा। सीरियल पाकिस्तानी फिल्में देखते हो वैसे? नहीं, मैंने कभी देखी नहीं है। तो आपको कैसे पता है कैसी बन रही है? चेंज कर रहे होते ना चैलेंज, तो फिल्म मेजी है मेरे ख्याल से, उधर ओए नहीं छड़ाऊंगा ये वो वगैरह। नहीं, वो तो पुरानी फिल्म है, अभी आप नहीं देखे, आप तो बड़ी नहीं। मैं ये पंजाबी वैसे अच्छी बोले, दोबारा से होना चाहिए। किसने डायलॉग पता नहीं किसने कहा था, एक बड़ा सा बंदा था मूंछों वाला, उसने कहा था किसी को। अच्छा, नहीं तो अभी नई फिल्में नहीं देखी आपने? नहीं, जो आई है शान वगैरह की? मैं नहीं देखता। नहीं देखता तो फिर आपको कैसे पता कि अच्छी नहीं बननी? मुझे पता है बस, अहमी मतलब आपने परसेप्शन पे आपने एग्री कर लिया आपने? नहीं, मैंने अज्यूम नहीं किया। हाँ, लेकिन मुझे पता है। अच्छा बिलाल, सिंगिंग का शौक है मुझे लग रहा है? नहीं, थोड़ा सा कुछ जरा सी आवाज है मुझे वो सिंगिंग नहीं है। ये ना करना, ये रियलिटी है, ये खुला तो यार। तुम्हारा मामू तो बहुत सिंगिंग करता है। निकाल करता, मैं नहीं करता, क्योंकि मामू गाने सुनाते हैं तुम्हें? नहीं नहीं, कभी नहीं सुनाया उन्होंने। नहीं, उनके एक दो थे लेकिन सही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फेवरेट सिंगर कौन सा ये मुझे बताओ। फेवरेट सिंगर आतिफ असलम। आतिफ को कौन सा गाना पसंद है? उसके अब तो आदत नहीं, नहीं अब तो आदत सी नहीं, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह वो कैसा है? मुझे नहीं, मैंने नहीं सुना, कैसे गाते हैं वो? नहीं सीरियसली, मुझे भी मैं भी गाना चाहिए, कैसे नहीं, वो क्या है? नहीं, उसकी यार गाना तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हें? कुछ इस तरह तेरी पलकें, ये पता है मॉडल जा रहे हो अब वो सुना रहा है कुछ इस तरह तेरी पलकें। अच्छा, क्या क्या? नहीं नहीं, बस इधर तक ही। क्या इधर तक, किधर तक? अरे थोड़ा सा तो सुनाना पड़ेगा, देखो इतना। नहीं नहीं, मुझे अच्छा, साथ एक काम करते, चलो आसान कर लेते, साथ ये भी गा लें। हाँ, ठीक है, मैं तो वेट कर रहा हूँ। मैं बजा तालियां बजा लेंगे, ठीक है? बिल्कुल, क्यों तुमने देना स्टार्ट, तुम करो। क्लोज अप होना चाहिए भाई साहब इनका, खास बिलाल भाई। बिलाल बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है, ये डेफिनेटली इसका हमने कभी गा नहीं है। नहीं कभी नहीं गाया, तो कभी तो गाया होगा बाथरूम में, गाया होगा तुमने कभी? हाँ, कभी तो गाया होगा। बिलाल लड़कियां बहुत सारी देख ली हैं, देख लो। ये जो है ना, फिर और ऐसा गाना कि आइंदा भी देखें। हाँ, ये ना हो के फिर यार गो 1 2 3
कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे आंसू तेरे सारे बस ये बस तो नहीं था आप गाए नहीं आपने आपने कहा था आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के मैं परेशान हो गया मैंने कहा अगर मैंने गाया तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ इस वजह से क्योंकि मैं जरा खुल के गाता हूँ बट वेरी नाइस गुड गुड टैलेंट है तो अच्छा मुझे ये बताओ कि डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बन के भी मॉडलिंग जारी रखोगे हाँ सर मतलब मॉडलिंग को एज अ करियर या प्रोफेशन नहीं अपनाओगे नहीं मुझे शौक है अच्छा एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं एक्टिंग का है तभी तो कमर्शियल्स वजान मुझे लग रहा है आप में भी टैलेंट है मतलब उतना ही सुरीला है आपके अंदर टैलेंट जितना बिलाल मेरे भाई ने था छोटे वाले भाई ने नहीं यार इतना टैलेंटेड नहीं हूं गाना गुनगुनाता जरूर हूं नहीं तो अच्छा वैसे कौन सा सबसे अच्छा गाना कौन सा किशोर का कौन सा अच्छा गाना लगता है बहुत सारे अच्छे गाने कोई भी आप सुनना चाह रहे हैं नहीं नहीं मैं वैसे पूछना चाह रहा हूं वो एक है गाना जी चेहरा है चांद किला है वो वाला ना तो फिर सुनाए थोड़ा सा गुनगुना दो थोड़ा सा गुनगुना चलें वो भी आपको सुना हां बिल्कुल बिलाल तालियां होनी चाहिए प्लीज अरे चेहरा है या चांद किला है ज़ुल्फ घनेरी शाम है क्या सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या बस बिलाल खड़े होके तालियां होनी चाहिए नहीं नहीं खड़े ना होने उतारे सारे यार यार क्या कर रही हो तो अच्छा तो मुझे ये बताएं कि बिलाल तुम कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो हाँ कोई खास वजह कार्डियोलॉजिस्ट बनने की नहीं कोई खास वजह नहीं शौक है अच्छा जी बहरहाल ये एक हमने जो है सेशन किया और बिलाल वी आर वेरी थैंकफुल कि आप यहाँ पे आए ही इज अ वेरी वेरी डिसेंट चैप वेरी डिसेंट और है भी यंग और अभी इस फील्ड में आ रहा है वी विश यू ऑल द बेस्ट और हमारी दुआ है कि आप डॉक्टर जल्दी जल्दी बने अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट बने और अच्छे मॉडल भी बने ठीक है और वजह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर एंड इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो और दिन आजाद ये हमारे दो यंगस्टर्स थे बिलाल और वजाहत इनसे आपकी हमने मुलाकात कराई और अब जो अगला सेशन है उसमें हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के और भी मिनिस्ट्रीज हैं इनके पास एक्साइज की भी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे उनके साथ सेक्रेटरी एजुकेशन हायर एजुकेशन अहद चीमा साहब जो हैं वो भी मौजूद होंगे बात करेंगे जो तालीम के हवाले से हम आजकल जो मेन दो तीन इश्यूज चल रहे हैं एक तो चार साल की जो डिग्री की ड्यूरेशन इन्होंने कर दी है पहले बैचलर्स जो थी वो दो साल की होती थी अब चार साल हो गई है उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ कुछ बंद रहीं कल बड़ा एहतजाज भी किया स्टूडेंट्स ने उस हवाले से भी बात होगी आप भी हमें कॉल इन कर सकते हैं स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे जागो 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 जागो